हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो गाइज़ यार, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो गाइज़ यार, आज मैं अपने पापा के साथ जा रहा हूँ फैसलाबाद। तो गाइज़ यार, मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। तो पापा रेडी हो रहे हैं अभी, तो मैं तो पूरा रेडी हो चुका हूँ। कपड़े वपड़े मैंने पहन लिए हैं, तो अभी बस निकलना है और 9 बजे के करीब जाना है। अभी मेरे ख्याल से 8:30 हो रहे होंगे, 9:30 के करीब जाना है। तो अभी निकलना है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और अभी नाश्ता तो ऐसे करना ही है, नाश्ता तो अभी रहता है ना, तो वो बस मैं नाश्ता कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो ओके, फाइनली गाइज मैं निकल पड़ा हूँ और अब हम जा रहे हैं टैवो पर, और टैवो से फिर हम जाएंगे फैसलाबाद। तो अभी निकल पड़े हैं और अब देखते हैं, चलते हैं फिर वहाँ, फिर मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। तो फाइनली गाइज हम इस वक्त बैठ चुके हैं बस में, और गाइज यार बहुत मज़ा आ रहा है। बिजनेस क्लास कराई है इसमें और फुल मस्त माहौल है, मैं कहता हूँ यहाँ पर ना मज़ा आ रहा है इसमें। और मैं आपको थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ कैसा है। तो गाइज यहाँ फुल LEDs वगैरह लगी हुई हैं, सीट भी बड़ी अच्छी है इसकी, यहाँ ना सीट भी आप देख सकते हैं, फुल कम्फर्टेबल सीट है नीचे से। और यहाँ पर भी साथ, असल में बिजनेस क्लास है ना, तो इसीलिए ज़रा थोड़ी अच्छी है, यहाँ पर फुल मज़े। तो गाइज अब हम मोटरवे में चढ़ गए हैं और यही इस्लामाबाद भी जाती है और आगे जितने शहर हैं वहाँ पर जाती है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह यहाँ पर आ रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद पहुंच चुके हैं और टैवो से अभी उतरे हैं, और पूरे 2 घंटे का सफ़र था और कंप्लीट होके तो अब हम उतर पड़े हैं और अब हम जा रहे हैं। अब देखते हैं कहां तक जाते हैं, कहां जाते हैं। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूं फैसलाबाद की, यानी कि पहचान दिखाने लगा हूं। अब देखो तो गाइज़ असल पहचान ये है, घंटाघर इसको कहते हैं फैसलाबाद में ना, ज़्यादा इसी से पहचाना जाता है फैसलाबाद। और गाइज़ यार आप लोगों को ऐसे मज़ा नहीं आएगा, अभी मैं बताऊंगा, जैसे आपको मज़ा आएगा ना वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम थोड़ा सा फिर के आए हैं, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको सही नहीं आ रही होगी। तो गाइज़ अभी हम थोड़ा सा फिर के आए हैं, तो ना सुबह का नाश्ता ही किया हो, तो अभी ना भूख लगी है, तो एक होटल आए हैं हम, और वो से फ़िश है इस वक्त, क्योंकि सर्दियों का भी मौसम चल रहा है तो फ़िश ही ज़्यादा है। तो अभी फ़िश ऑर्डर किया है, मेरे ख्याल से फिंगर फिश है वो, तो अभी जब आएगी तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइज़ ये देख सकते हैं नान, और ये रही हमारी फ़िश, और साथ ये रायते वगैरह हैं, और बहुत ही मज़ेदार, मुझे तो देख के भूख लग गई है। तो अभी मैं खाने लगा हूँ, फिर खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो ओके, फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ घर वापस। तो गाइज यार असल में ना, मैं तकरीबन 5 बजे हम निकल गए थे वहाँ से, ड्राइवर पर बैठे थे। तो गाइज वहाँ ना रश काफ़ी था, वैसे तो रश कम होता है लेकिन आज संडे का था तो रश काफ़ी ज़्यादा था, तो वो रश काफ़ी ज़्यादा था उसकी वजह से लेट काफ़ी हो गए। तो अभी मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं, और अभी मैंने कहा कि अभी व्लॉग ना बना लेता हूँ और अपलोड, मैं वैसे एडिट मैं कल कर लूँगा, फिर आराम से ना कल ही अपलोड कर लूँगा मैं, तो आपको मेरे ख्याल से कल व्लॉग मिल जाएगा। तो मैंने कहा आज ही बस ये
काम कंप्लीट करता हूँ और फिर कल आपको व्लॉग मिले। तो गाइज़ यार असल एक और बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि गाइज़ यार आपने ना मेरे 400 सब्सक्राइबर्स कर दिए, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। पिछले व्लॉग में मेरे 200 सब्सक्राइबर्स थे, इस व्लॉग में मेरे 400 सब्सक्राइबर्स हो गए। आपको वैसे यकीन नहीं होगा, 1 वीक में मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए भी और मेरे लिए तो है। गाइज यार वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी क्लियर वॉइस कैसे आ गई, तो गाइज यार वैसे वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ना, यानी कि जब मैंने खाना भी खा रहा था वहाँ पर तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ख़राब वॉइस आई, मुझे भी पता चल रहा था। मैं वैसे जो मोबाइल उस वक्त लेके गया था ना, उसमें माइक से ना मैं माइक ले जाता, उसमें माइक से वॉइस रिकॉर्ड नहीं होनी थी, तो इसलिए फिर मैं लेके भी नहीं गया। मैंने कहा क्या फ़ायदा उसको साथ साथ लेके जाना माइक को, फ़ायदा इसमें कोई है नहीं, तो इसलिए मैं लेके नहीं गया। तो इसलिए कोई इतनी अच्छी वॉइस नहीं है, मैं कोशिश करूँगा एडिट में कि कोई अच्छी वॉइस आ जाए। तो गाइज़ यार मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि 400 सब्सक्राइबर किए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो गाइज़ यार ये मेरा पहला शायद व्लॉग होगा कि जो आउट ऑफ सिटी है, तो गाइज़ यार बहुत इस व्लॉग में मैंने मेहनत किया। तो गाइज़ यार ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।